नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आप देख रहे हैं टेक दिस वीक, जहां मैं आपको हर हफ्ते इसी दिन देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ खास इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में। दिसंबर के महीने टेक कंपनी ऑनर ने लंदन में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन व्यू 10 को लॉन्च किया था और अब कंपनी ने इस फोन को इंडिया लॉन्च के साथ इसकी प्राइसिंग पर से पर्दा उठा दिया है। 29,999 रुपये कीमत पर मिलने वाले इस फोन में आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। किरिन 970 चिपसेट आपको मिलेगा। 6GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। 16MP प्लस 20MP का डुअल रियर कैमरा है। 13MP का फ्रंट कैमरा है। ये फोन एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है और इसमें 3750mAh की बैटरी मिलती है। पिछले महीने सैमसंग ने गैलेक्सी A8 और A8 प्लस 2018 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया था। उसी के साथ खबर आई थी कि कंपनी बहुत जल्द इन फोन्स को विश्व के कई देशों में लॉन्च कर सकती है, जिसमें इंडिया भी शामिल होगा। और आज खबर आई है कि कंपनी 10 जनवरी को सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। साथ साथ ये फ़ोन अमेजोन इंडिया की वेबसाइट पर भी लिस्ट हो गया है। हालांकि गैलेक्सी A8 को लेकर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, पर माना जा रहा है कि शायद कंपनी इस फ़ोन को ऑफलाइन मार्केट में उतार सकती है। 2017 में अपने मोस्ट पॉपुलर फ़ोन 3310 को रीलॉन्च करके नोकिया ने काफ़ी चर्चा बटोरी थी। हालांकि उस समय इसमें 4G फीचर ना होने की कमी जाहिर की गई थी, लेकिन अब कंपनी का यही स्मार्टफोन 10R सर्टिफिकेशन पे 4G फीचर के साथ देखा गया है। माना जा रहा है कि HMD ग्लोबल इस फोन को CES 2018 में पेश कर सकती है। साथ साथ ये फोन अलीबाबा के यून OS पर आधारित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। कुछ समय पहले गूगल ने अपने इवेंट पे कहा था कि वो बहुत जल्द अपना एंड्रॉयड ओरियो का एक गो एडिशन पेश करेगी, जिसकी वजह से लो स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन्स स्मूथ चलेंगे। हालांकि अभी पिछले हफ्ते ही हमें खबर आई थी कि नोकिया अपना एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन बहुत जल्दी पेश करने वाली है। वहीं अब जानकारी आई है कि माइक्रोमैक्स भी अपना एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन लॉन्च कर सकती है, जिसकी कीमत माना जा रहा है कि 3000 रुपये हो सकती है। टेक कंपनी मेजू ने अपने डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन मेजू प्रो 7 को अभी कुछ ही समय पहले चाइना में लॉन्च किया था। वहीं अब 91mobiles को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक कंपनी अपने इस नए स्मार्टफोन को जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इंडिया में लॉन्च कर सकती है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये हो सकती है। यही नहीं, आपको बता दूं कि जहां सभी स्मार्टफोन कंपनीज आजकल अपने फ़ोन्स को ऑनलाइन स्तर पर उतार रही है, लेकिन मेजू अपने इस नए फ़ोन को ऑफलाइन मार्केट पर लॉन्च करने का विचार बना रही है। अब बात की जाए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो आपको बता दूं कि नोकिया 6 का सेकेंड जनरेशन स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो गया है और ये फ़ोन इस बार स्पेसिफिकेशन नहीं बल्कि लुक्स वाइज भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इस फोन में आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 630 चिपसेट, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 16MP का रियर कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा, एंड्रॉयड ओरियो और इसमें आपको मिलेगी 3000mAh की बैटरी। और इस फोन की कीमत है 1499 युआन, यानी अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो बनते हैं लगभग 15,000 रुपये। अभी कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि शायद शाओमी अपने स्मार्टफोन रेडमी नोट 5 को पेश ना करे, लेकिन शाओमी फैंस को निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन और कीमत की जानकारी सामने आई है। माई ड्राइवर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फ़ोन में 5.99 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, क्वालकॉम का आने वाला नया चिपसेट यानी स्नैपड्रैगन 632, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 12MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। और माना जा रहा है कि इस फोन की कीमत लगभग 15,000 रुपये हो सकती है। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ से वाकिफ हो गए होंगे, पर फिर भी अगर आप इन न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में आप इनको पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको इन न्यूज़ के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दी गई IDs पर जाकर मुझसे चैट कर सकते हैं। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।